लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दल असहज दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के असहज सहयोगियों में सबसे पहला नाम अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल का है, जो एक के बाद एक बयान देकर योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें, पिछले दिनों आरक्षण के मुद्दे पर सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। अब एक बार फिर केंद्रीय मंत्री को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार यूपीए में हार को लेकर पिछले दिनों सीएम योगी ने समीक्षा बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में अपना दल इसके बड़े चेहरे नाराज रहे। आशीष पटेल यूपी सरकार के मंत्री होकर भी सीएम की बैठक में नहीं आए, जिसके बाद से कयासों का दौर जारी है। जानकर कह रहे हैं कि बीजेपी और अपना दल के बीच कुछ ठीक नहीं है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अनुप्रिया पटेल बीजेपी पर हमलावर है। अनुप्रिया पटेल भाजपा से ज्यादा योगी सरकार पर हमलावर दिख रही हैं। उनके कई बयान सामने आ चुके हैं जिससे बीजेपी के लिए सहज स्थिति पैदा होती दिख रही है। तो वही चुनाव नतीजों के आने के बाद अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि आरक्षित पदों को आरक्षित किए जाने की व्यवस्था पर रोक लगे। उन्होंने साक्षात्कार के आधार पर अब होने वाले भर्तियों में ओबीसी एससी एसटी वर्ग की भर्ती नहीं करने का भी आरोप लगाया था। वही आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को बड़ा झटका लगा है। पूर्वांचल में राजनीति करने वाली अपना दल सिर्फ मिर्जापुर सीट ही जीत पाई है। वहां से पार्टी प्रमुख अनुप्रिया पटेल चुनाव मैदान में थी, उन्हें भी जीत के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। रॉबर्ट संगज में उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अनुप्रिया पटेल जाति की बहुलता वाली सीटों पर भी बीजेपी की मदद नहीं कर पाए। अनुप्रिया पटेल की कुर्मी जाति की सियासत करती हैं। वहीं बीते लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल की जीत का मार्जिन 2.3 लाख से घटकर 37,000 पर आ गया है। उन पर हार का खतरा भी मंडराने लगा है। माना जा रहा है कि जो ओबीसी और दलित वर्ग का वोट एनडीए गठबंधन से छिटका है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान गठबंधन में शामिल छोटी पार्टियों को हुआ है। जानकारों का कहना है कि अपना वोट बैंक खिसकता देखकर अनुप्रिया पटेल को मुखर होने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनुप्रिया पटेल तीसरी बार केंद्र की मंत्री बनी है। उनके पति आशीष सिंह प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। वहीं पिछले 10 सालों में अनुप्रिया पटेल या उनकी पार्टी ने इस तरह से आरक्षण और ओबीसी के मुद्दों पर कभी आवाज नहीं उठाई थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में एक बार फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि उपचुनावों के मैनेजर भी अनुप्रिया पटेल मुखर हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश में के तमाम और यूपी तक की छोटी बड़ी खबरों के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।